नमस्कार। झारखंड की बात के पहले अंक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम झारखंड की बात करेंगे। मैं दो तीन इश्यूज पे आज बात करूंगा। पहला, किस तरह से झारखंड में पिछले 5 साल की रघुवर सरकार में 14,000 सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं और उनकी जगह सरकारी दारू के ठेके खोल दिए जाते हैं। क्या ये विकास का मॉडल है रघुवर जी? मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं की जो हालत है, मैं खुद जमशेदपुर पूर्व का प्रत्याशी हूँ और मुख्यमंत्री जी के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में जमशेदपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल MGM अस्पताल आता है, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति एक बीमारी का इलाज कराने जाता है तो 3 बीमारियाँ लेके आता है। रांची के रिम्स अस्पताल की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। तीसरी चीज, शिक्षा के क्षेत्र में आंगनवाड़ी सेविकाएं जो कि शिशुओं को न्यूट्रिशंस का पौष्टिक तत्व के लिए माँ से भी पहले सबसे पहले बच्चे को वो देती है, उसकी मानदेय है 6,000 रुपये, वो भी उसको रेगुलर नहीं मिलता। जब वो अपने मानदेय को बढ़ाने की बात करती है तो रघुवर सरकार उनको इतना पीटती है कि 3 सेविकाओं की मृत्यु हो जाती है। चौथा, शिक्षा। आज रघुवर सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 5 साल में एक भी नई नियुक्ति नहीं करी हाई स्कूलों में। आज हालात ये है कि हाई स्कूलों में संस्कृत का अध्यापक गणित पढ़ा रहा है और गणित का अध्यापक इतिहास पढ़ा रहा है। ये विकास का मॉडल है रघुवर सरकार का। शिक्षा में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जमशेदपुर के संदर्भ में, क्योंकि मुख्यमंत्री जमशेदपुर से आते हैं, मणिपाल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में अपना मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता था, 5 साल तक रघुवर सरकार उसको NOC तक नहीं दे पाती है। क्या ये विकास का मॉडल है? कौन सा विकास का मॉडल है? 2200 करोड़ का एक डैम जिसको बनाया जाता है उसको चूहे कतर देते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये झारखंड का विकास इस तरह हो रहा है, 2200 करोड़ चूहे कतर देते हैं। यहाँ पे डैम जो है, बड़े बड़े डैम, उसको चूहे कतर देते हैं। जो मुख्यमंत्री अपने आप को विकास पुरुष और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, क्या भानु प्रताप शाही जो कि मेडिकल घोटाले में संलिप्त है, CBI की जांच हो रही है, उसको क्या चुनाव का टिकट देना भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है? क्या डल्लू महतो को टिकट देना भाजपा का, क्या ये आपके भ्रष्टाचार और महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, क्या उसके विकास का मॉडल है? जमशेदपुर मात्र में आप रोजगार तो नए सृजन को तो छोड़ दीजिए, जो पुराने रोजगार के अवसर थे, जो पुरानी कंपनियां थी, टाटा मोटर्स जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, ब्लॉक क्लोजर होता है वहां पे। ब्लॉक क्लोजर होने से मजदूर के घर उस दिन खाना नहीं पकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा हिताची जो मेरे क्षेत्र में थी, वो जमशेदपुर को छोड़ के खड़गपुर शिफ्ट हो जाती है। एग्रीको, केबल कंपनी, टायो कंपनी, कंपनियों की तादाद इतनी है कि जमशेदपुर शहर मात्र में 700 कंपनियां पिछले 3 महीने में बंद होती है और 30,000 लोग अपना रोजगार उस पे खोते हैं। इस बार इसीलिए मैं आप सब लोगों को कहता हूं कि ईमानदार और सच्चे लोगों पे भरोसा कीजिए। वो लोग जो वास्तव में 86 बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने की बात में अपनी ताकत लगाने की बात करते हो, 25 साल में आपके साथ धोखे करने की बात नहीं करते हो। इसलिए इस बार कांग्रेस को अवसर दीजिए, नए लोगों को, अच्छे लोगों को, शिक्षित लोगों को अवसर दीजिए, उन लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो अपराधियों को टिकट देते हैं, जो महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं उनको टिकट देते हैं। बेरोजगारी आज पूरे देश में 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी है, और 45 साल इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेरोजगारी का डाटा 45 साल से ही संकलित हो रहा है। जमशेदपुर, झारखंड, रांची, धनबाद भी इससे अछूता नहीं रहा। आज बेरोजगारी की भयंकर समस्या इन क्षेत्रों में आ चुकी है। नए रोजगार के सृजन तो छोड़िए, पुराने जो रोजगार थे वो भी छूटे जा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं आप सब लोगों को, झारखंड की जनता को याद दिलाना चाहता हूँ। एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट फेयर किया गया, एम्प्लॉयमेंट मेला किया गया, बोला गया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बना दिया गया, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिला। मेरा चैलेंज है कि उसमें से 90% लोगों का रोजगार खो चुका है, वो सिर्फ दिखावे के लिए दिया गया था। आप आज बताइए कि जो आपने चैलेंज
में जिन लोगों के नाम लिखे थे वो क्या आज भी रोजगार युक्त है? रोजगार के लिए निवेश लाना पड़ेगा। मोमेंटम झारखंड इन्वेस्टमेंट सबमिट से कितना निवेश आया? बिना निवेश के क्या एक भी रोजगार का सृजन हो सकता है? और निजी क्षेत्रों का रोजगार तो छोड़ दीजिए, सरकारी क्षेत्रों में आप टीचरों की भर्ती नहीं करते हो। पैरा शिक्षक जो कि अपने मानदेय 12,000 रुपए से बढ़ाने की बात करते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। ये इस तरह से रोजगार का सृजन नहीं हो सकता। रोजगार के सृजन के लिए सुदृढ़ नीतियां बनानी पड़ती है, ऐसी नीतियां जिससे निवेश क्षेत्र में आए। अच्छा निवेश आएगा तभी रोजगार का सृजन होगा। इसलिए हम संकल्पित है कि नया निवेश बढ़ाएंगे और हाथियों को उड़ा के नहीं बनाएंगे, हम चिड़ियों को उड़ा के नया निवेश लेके आएंगे। क्योंकि जिस तरह हाथी उड़ नहीं सकते उसी तरह रघुवर जी का राज में निवेश नया आ नहीं सकता। आज किसानों की बात झारखंड में करना बहुत वाजिब है क्योंकि जमशेदपुर रांची की जो रोड है वो झारखंड की लाइफलाइन है। आप कभी जाके देखिए, सरकार के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, तमाड़ एरिया में टमाटर और जो ककड़ी है रोज शाम को किसान को सड़क पर फेंकनी पड़ती है। क्यों फेंकनी पड़ती है? क्योंकि आपने उसकी कोल्ड स्टोरेज में व्यवस्था नहीं करा पाए, भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है। उस भंडारण के कारण किसान को औने पौने दाम में अपनी उपज बेचनी पड़ती है। ये किसानों के साथ न्याय नहीं है। और क्यों नहीं? इसी कारण से आज देश में कृषि विकास दर 2% से बढ़ रही है। झारखंड ने एक नया इतिहास रच दिया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। एक साथ 10,000 आदिवासियों पर राष्ट्रद्रोह देशद्रोह के मुकदमे चला दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हक की बात करते हैं, वो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो जल जंगल जमीन की बात करते हैं। उनके ऊपर एक साथ आप राष्ट्रद्रोह का मामला लगाना चाहते हो? राष्ट्रद्रोही वो नहीं है, राष्ट्रद्रोही नहीं है वो लोकतंत्र में जिनका विश्वास है। ये बिरसा मुंडा की भूमि है। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा ने अपने प्राण दे दिए पर अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज राष्ट्रद्रोह में लिप्त नहीं हो सकते। आप गिनीज रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में एक साथ 10,000 आदिवासियों को आवाज को कुचलने का जो काम कर रहे हो वो राष्ट्र प्रेम नहीं है। उन लोगों की आवाज को सुनना ही लोकतंत्र की पूरी शक्ति है।